मारो मुझे मारो। यार ये शर्ट इतनी वाइड सी दिख रही है। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो कि मैंने शर्ट की इस्त्री नहीं करी, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है चलता है। सो गाइस, आज है थर्सडे, रबिया की सुबह के 12 बज चुके हैं और मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि दीदी ये पेंसिल इतनी बड़ी क्यों है। गाइस ये पेंसिल बड़ी नहीं है, एक्चुअली पेंसिल नॉर्मल साइज की, सिर्फ मैं ही छोटी हूँ कुछ भी। और ये पेंसिल बकायदा लिखती भी है। मैंने एक नया वर्ड सीखा है बकायदा। यहाँ पर रहा इरेजर, इसको ऐसे खोलो। यहाँ पर रहा इसका टिप। एनीवे गाइस, जैसे कि आप इस वीडियो के टाइटल में देख सकते हैं, आज हम व्लॉग नहीं, आज हम आग लगाने वाले हैं, आग। क्योंकि आज हम करने वाले हैं सुबह से स्पाइसी फूड चैलेंज। पता नहीं आग कहाँ कहाँ से निकलने वाली है आज। तो आज की वीडियो में हम कन्वीनियंस स्टोर जाएंगे और सिर्फ स्पाइसी फूड ही खाना खाएंगे। हे भगवान मेरी रक्षा करना। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर कन्वीनियंस स्टोर की परंपरा ये है कि हम स्टार्टिंग में हमेशा कुछ अजीब गरीब डीएम्स पढ़ते हैं, तो आज भी हम उससे स्टार्ट करते हैं। घर पे बैठे बैठे पैसे कैसे कमाऊं, घर बेचकर। किसी ने मुझे एक बहुत ही अच्छी एडवाइस दी है और लिखा है, मर जाओ, एक दिन सब मरेंगे मेरे प्यार में। और महापुरुष ने लिखा है, आई डोंट लाइक यू, इट्स ओके, सबका टेस्ट अच्छा नहीं होता। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, ये कोई शक नहीं, गरी चेक नहीं, बिबा जट दिया। एक लकड़ी ने लिखा है, आई वाज बोर्न ब्यूटीफुल, और तुम, मैं तो नग्गी पैदा हुई थी। ये एक बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है, हम इसके ऊपर मजाक नहीं करेंगे। तो किसी ने पूछा है, मम्मी पापा को लव मैरिज के लिए कैसे रेडी करूं। मुझे पापा का पता नहीं, लेकिन मम्मी के ऊपर साड़ी अच्छी लगेगी, लहंगा भी अच्छा लग सकता है। नेक्स्ट, क्या तुम रिलेशनशिप में हो। नहीं, मैं कोरिया में हूँ। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि हु इज स्ट्रॉन्गर, अभय भैया या फिर पुष्पेंद्र भैया। ये तो उनसे ही पूछते हैं। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है। ऑफ कोर्स मैं जीतूंगा, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए। Three, two, one. एक और शख्स जिसका नाम है पादा। पादा मारा नहीं, पूरा स्टॉप इट। तो पाद के किसको मार दिया। सो पादा माराम ने लिखा है, ये कमेंट क्या है मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि मैं पागलों की भाषा नहीं बोलती। लास्ट कमेंट है मोंगमोंग के बारे में, इतना गंदा काला कुत्ता। कुत्ते पे नहीं जाना, वो आना के कुत्ते पे नहीं जाना। कुत्ते ने आपका क्या बिगाड़ा। ये ठोकरा मेरी चाय दाग पे खिलौता वाली से। तभी फालतू की बकवास थोड़ी बंद करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे डाउनटाउन, वहाँ से मुझे कुछ रेड कलर के, मतलब कि मिर्ची स्पाइसी रेड कलर के कुछ कपड़े चाहिए। और बाय द वे गाइस, आज मोंगमोंग पहली बार हमारे साथ डाउनटाउन चलेगा, मतलब कि मैं, अबे और मोंगमोंग वहाँ पर जाएंगे। सभी मैं आपको डायरेक्टली बाहर मिलती हूँ, बाय। हमारी बस आने वाली है, तो अब इसको मोंगमोंग को थैला के अंदर डाल रहे हैं। मोंगमोंग तो इतना क्यूट क्यों है। बस में इतने सारे लोग थे, इतने सारे लोग थे, हम धक्के मार मार के निकले हैं। अभी हम मोंगमोंग को पानी पिला रहे हैं। पहले हम जाने वाले हैं H&M और वहाँ पर देखते हैं कि हमें कुछ लाल मिर्ची वाले कपड़े मिलते हैं नहीं। H&M में पता नहीं कि ये स्ट्राइप वाले कपड़े हैं। स्ट्राइप्स। इस लॉन्डिया ने भी ये स्ट्राइप वाली स्वेटर पहन रखी है, ब्राउन और व्हाइट स्ट्राइप्स। स्ट्राइप और स्ट्राइप्स, जहाँ पर भी देखो स्ट्राइप से स्ट्राइप्स मिलेंगे आपको यहाँ पर। गाइस ये कौन सी ज़ेब्रा वाली फैशन चल रही है आजकल। थैंक यू अबे मोंगमोंग को ऐसे रखने के लिए। क्या हमेशा खिला रहता है घर पर। हाँ इसीलिए, क्योंकि मेरे यहाँ पर नेक और शोल्डर में बहुत दर्द हो रहा है, तो इसकी वजह से मैं मोंगमोंग को नहीं रख रही। अबे ने ऑफर करा है, वॉलंटियर करा है कि वो मोंगमोंग को लेकर आएगा। यहाँ पर जंगली जानवर वाली लॉन्ग स्कर्ट रही। ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं शॉपिंग करने जाती हूँ तो हमेशा अजीब गरीब कपड़े होते हैं। अबे तुझे कुछ चाहिए। गाइस फाइनली लाल कलर में मुझे कुछ मिल गया, लाल और ब्लैक और व्हाइट स्ट्राइप्स। मैं हंसूं या रोऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये कौन सी स्वेटर है, तुझे मैं इतने छेद करूंगा कि क्या है ये, मतलब कि इसको पहनते कैसे हैं और इसका नेक इतना बड़ा क्यों है। ये पहनूंगी तो मम्मी की फ्लाइंग चप्पल पता नहीं कहां कहां से आ जाएगी। सिर्फ यही मुझे लाल कलर में मिला है।
सो गाइस अभी हम आए यहाँ पर लॉन्डो के डिपार्टमेंट में और यहाँ पर मुझे वहाँ पर एक ब्लैक और रेड कलर की शर्ट मिली है। ये रही वो शर्ट, तो अभी हम इसको ट्राई करते हैं। गाइस ये तो बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत सॉफ्ट और मुलायम भी है। अमन कैसी लग रही है? मम्मा कैसी लगी मेरी शर्ट? ठीक है। अब इसको पे करते हैं। शॉपिंग इज डन। मैं सोच रही हूँ 250 से जो रेड कलर की नेल पॉलिश होती है ना वो वाली ले लूँ। यहाँ पर चिपकाने वाले नाखून है और ये रहे रेड कलर के। और यहाँ पर मम्मा ये रहे अंगूर और इसके ऊपर रहा चीनी। तो जो चीनी है ना वो काफी क्रिस्पी है और अंदर से जैसे आप इसको बाइट करते हो ना वो पूरा अंगूर का जूस मुंह में चल जाता है। सो गुड गुड गुड। मम्मा कह रही नहीं है ना, 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 फिनिश अबे। यम्मी। और अभी हम घर पर चलते हैं, कपड़े चेंज करते हैं। I'll see you later. Bye. Guys, अभी मैं टिप टॉप रेडी हो चुकी हूँ। मुझे पता नहीं कि आउटफिट कुछ K-pop वाली वाइब दे रहा है, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? तो जो रेड नेल्स लिए थे ना मैंने, वो मैंने इस बैग के अंदर डाल दिए क्योंकि अभी मैं बहुत लेट हो रही हूँ। मेरी जो टैक्सी ना वो बाहर इंतजार कर रही है, तो या तो मैं टैक्सी में या फिर कन्वीनियंस स्टोर के बाहर वो फेक नेल्स लगाऊंगी। बाय बाय गाइस, ये रही मेरी टैक्सी। गाइज देखा आपने मेरे में कितना सारा टैलेंट है, मैंने टैक्सी में मेरे मस्त वाले नेल भी चिपका दिए। ये रहा हमारा कन्वीनियंस स्टोर, नाइस टू सी यू, लेट्स गो इनसाइड। सबसे पहले हम ये छाबड़ी लेते हैं। व्हाट इज दैट कैंडी? जेली, दैट्स सो यम्मी। नाइस टू मीट यू। आज मेरी इतनी हालत खराब होने वाली लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए मैं सब सहने के लिए तैयार हूँ। अभी हम फटाफट कुछ स्पाइसी खाना लेते हैं। यहाँ पर ग्रीन मिर्च रही, यहाँ पर रही फायर इमोजी, तो ये वाली लेते हैं। ये वाले हैं स्पाइसी ड्राई नूडल्स। मुझे मेरे कोलीग्स मिल गए स्पाइसी चिप। फुल डक पुक्कुम। अभी हम इस फ्रिज से सस्ता वाला पानी लेते हैं क्योंकि खाना बहुत ही स्पाइसी होने वाला है, तो हम स्ट्रॉबेरी मिल्क ले लेते हैं। ये वी का फेवरेट है तो इसको आराम से धीरे से ऐसे रखते हैं। ये है मोत्सारेला स्टिक, तो ये रामेन के अंदर डालेंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। यहाँ के जो अंकल जी काम कर रहे हैं वो मुझे बहुत ही तिरछी तिरछी नजर से देख रहे हैं, तो इससे पहले कि वो हमें यहाँ से बाहर निकाल दें सारे सामान को पे करते हैं। अभी अंकल जी मेरी मदद कर रहे हैं और स्पाइसी फूड चूज करने में। मैंने अंकल जी से पूछा है कोई स्पाइसी कैंडी हो। यस, मैंने कुछ ज़्यादा स्पाइसी सामान खरीद लिया। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वीकेंड, बाय। अरे ये इतना गंदा कौन छोड़ के चला गया? हम यहाँ पर बैठकर खाते हैं। अंकल जी मेरा यूट्यूब नेम पूछ रहे हैं। यस दिस वन, दिस वन, यस। ओह थैंक यू, ओह माय गॉड, या दैट इज मी, सो मेनी, थैंक यू। अंकल जी ने भी सब्सक्राइब कर दिया, अगर आपने नहीं करा तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करो। ये रहा मेरा आज का लंच। सबसे पहले पानी पीते हैं। डोले शोले। चीयर्स। ये है पानी और इसका टेस्ट है पानी जैसा। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये वाला बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, 0 out of 10। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। अंकल जी ने बोला कि स्ट्रॉबेरी वो यू मत पीना, ये बनाना वो यू सही रहेगा स्पाइसी फूड के लिए। अभी हम ये सॉसेज ट्राई करते हैं। सो
तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो आई एम रियली रियली सॉरी कि मैं आपको मीट दिखा रही हूँ, लेकिन ये स्पाइसी सॉसेज था तो इसलिए मैंने ले लिया। इसका स्पाइसीनेस लेवल है 3 out of 10। अब ये पीते हैं। Cheers! जोंगकुक का फेवरेट बनाना मिल्क। अभी हम ये स्पाइसी फुलदम थक्कुम नूडल्स बनाते हैं। बाय बाय, टाटा। यहाँ पर ऐसे छेद करके एक्स्ट्रा पानी निकालना पड़ेगा। गाइस देखिए ये मोत्सारेला, मैंने बहुत सारे कोरियन लोगों को देखा ये हमेशा मोत्सारेला चीज़ डालते हैं और नूडल्स खाते हैं, तो मैंने सोचा कि हम भी ट्राई करते हैं। स्मेल से ही पता चल रहा है कि काफ़ी स्पाइसी है। वाओ गाइस देखो, अभी ब्लैक पिंक के गाने बज रहे हैं। जैसे आप इसको खाते हो ना धीरे धीरे स्पाइसीनेस लेवल बढ़ता जाता है, लेकिन इतना भी नहीं है। स्पाइसीनेस लेवल 7 out of 10। अभी मिर्ची वाले चिप्स ट्राई करते हैं। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। क्या है ये यार, इतनी मीठी। यहाँ पर मिर्ची तो ऐसे लगा रखी है, पता नहीं कितनी स्पाइसी होगी, लेकिन बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। 0 out of 10। ये रहा हमारा लास्ट आइटम, चलो इसको ट्राई करते हैं। सोच रही हूँ कि मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन ये स्पाइस तो दूर के बाद स्वीट है। -10 out of 10। सो गाइस अभी हमने पेट पूजा कर ली और अभी टाइम हो चुका है घर पर जाने का। डिसअपॉइंटेड क्योंकि मुझे कुछ भी स्पाइसी नहीं मिला एक्सेप्ट ये जो नूडल्स थे ना, ये थोड़े से हल्के से स्पाइसी थे। अभी हम यहाँ की साफ सफाई करते हैं। ये जो बाकी का सामान है ना वो मैं अबे के साथ शेयर करूंगी और उससे पूछूंगी कि उसको स्पाइसी लगता है नहीं। मुझे लगा था कि मेरी हालत खराब होने वाली है, पेट दुखेगा, पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि खाना बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं था। और जो नेक्स्ट ब्लॉग होने वाला ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला, क्योंकि हम जाने वाले बहुत ही सुंदर सी जगह में। वो जगह कोरिया में है और वो कोरिया की सबसे एक्सपेंसिव जगह है। अगर आप गेस कर सकते हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना। अभी मैं घर पर जाऊंगी, ये वाला ब्लॉग एडिट करूंगी, तो आप प्लीज अपना ध्यान रखना, खुश रहना। आई लव यू गाइस, यू आर द बेस्ट, बाय। So guys, हमने शॉपिंग भी कर ली और आप ऐसा मत सोचना कि मैंने अबे के लिए कुछ नहीं लिया। एक्चुअली हम 2 दिन पहले यहाँ पर आए थे और अबे के लिए बहुत सारा सामान लेकर गए थे, तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बुरी बहन हूँ। नो 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 नो